परंतु एक निर्णय सरकार द्वारा ऐसा लिया गया है जिसका विरोध बुंदेलखंड में घूम फिर कर व्याप्त होने लगा है। मनाली बेतुका और घिनौना निर्णय है। किसी को पता नहीं है कि इस दिन हमारी देश की दो दो वीरांगनाओं का जन्म दिवस मनाया जाता है। वीरांगना महालक्ष्मी बुंदेलखंड का गौरव नहीं थी, राष्ट्र का गौरव थी। सबसे हमारा निवेदन है कि अपने अपने स्तर से इस बात का हम विरोध करें। दूसरा, सरकार के द्वारा ये शौचालय दिवस आज का घोषित किया गया है, या तो सरकार के दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है। शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया है, ये सरकार किस दिशा में जाने का प्रयास कर रही है ये अपने सोच से बाहर है। उन्नीस नवंबर को बुंदेलखंड सहित पूरे देश भर में और खास तौर पर झांसी शहर बुंदेलखंड की ही नहीं पूरे विश्व की गौरव रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में एक क्रांति की ज्वाला जगाई थी, उनका जन्म दिवस 19 नवंबर को आने वाला है। झांसी भर में ये उत्सव और पूरे देश भर में ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे एक त्योहार के रूप में भी मनाया जा रहा है, परंतु एक निर्णय सरकार द्वारा ऐसा लिया गया है जिसका विरोध बुंदेलखंड में घूम फिर कर व्याप्त होने लगा है। जी हाँ, निर्णय लिया गया है कि 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के दिन ही शौचालय दिवस भी घोषित कर दिया गया है। इस शौचालय दिवस को लेकर अब पूरे बुंदेलखंड में विरोध व्याप्त हो रहा है, लोगों में कई विरोध प्राप्त हो रहे हैं, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, सरकार का विरोध भी इसमें चल रहा है। कई कांग्रेसी, यहां तक कि मैं कहूं कि सत्ता पक्ष भाजपा के भी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने हमसे क्या कहा, नगरवासियों ने हमसे क्या बात की, और शहरवासियों ने, झांसीवासियों ने हमसे क्या बात कही, ये हम आपको दिखाएंगे। और कितना विरोध आगे बढ़ता है इस चीज का, ये भी देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कही जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने बुंदेलखंड को गौरवमयी बनाया है, उस दिन 19 नवंबर को सरकार द्वारा शौचालय दिवस घोषित करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, घोषित कर भी दिया गया है, क्या कहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले तो हम आपके आपने जो सवाल किया है कि बुंदेलखंड का गौरव, वीरांगना महालक्ष्मीबाई बुंदेलखंड का गौरव नहीं थी, राष्ट्र का गौरव थी। और सारे विश्व को, ब्रिटिश शासन को, जिसकी कहा जाता था कि उसके राज्य में कहीं सूर्य अस्त नहीं होता है, उस ब्रिटिश सरकार को जिसकी तलवार की चमक ने इतना दहशत में ला दिया था कि उन्होंने इतना कत्लेआम किया अपने शासन में कि जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। तो वो विश्व का गौरव थी और मातृशक्ति के लिए एक ऐसी उदाहरण उन्होंने पेश किया है जो विश्व में दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, सरकार के द्वारा ये शौचालय दिवस आज का घोषित किया गया है, या तो सरकार के दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है और या फिर उनके निरंकुशता का प्रतीक है कि कोई भी महापुरुष ऐसा, बल्कि ऐसी महिला जिसने हिंदुस्तान को के जन जन तक स्वतंत्रता की जो झलक पैदा कर दी थी कि हमें देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, ऐसी महिला के जन्मदिन पर इस तरह का कोई अध्यादेश जारी करना उनकी निरंकुशता ही हम कहेंगे। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं। सर, सरकार द्वारा 19 नवंबर को रानी के जन्मोत्सव के दिन शौचालय दिवस घोषित किया गया है, बुंदेलखंड में रोष व्याप्त है, आप झांसी के नगरवासी हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये सरकार द्वारा जो 19 नवंबर को शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया है, ये सरकार किस दिशा में जाने का प्रयास कर रही है ये अपने सोच से बाहर है। ये 19 नवंबर हमारे हिंदुस्तान के लिए एक दीपावली से ही बड़ा पर्व है। विश्व को नाम देने वाली, हिंदुस्तान का, भारत का नाम रोशन करने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम पर आज हम सभी लोग यहां दीपांजलि कार्यक्रम मना रहे हैं जी। और उसी दिन हिंदुस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री, लोह महिला, दिवंगत माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी का भी जन्म दिवस है। इन दो मातृशक्ति का हम लोग बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं, और ऐसे मौके पर सरकार द्वारा जो शौचालय दिवस का घोषणा की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हमारे नगरवासी बरुआ सागर इसकी निंदा करते हैं कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। जिस प्रकार का विरोध बुंदेलखंड में बढ़ता जा रहा है, क्या वह सही, आप उचित बताएंगे उस विरोध को? विरोध पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया।
बड़ा ही बेतुका और घिनौना निर्णय है। आप ये बताइए कि क्या किसी को पता नहीं है, जो भी नीति नियंता वहां बैठे हैं, क्या किसी को पता नहीं है कि इस दिन हमारी देश की दो दो वीरांगनाओं का जन्म दिवस मनाया जाता है, एक तो महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये सब सोच समझ के किया गया ये निर्णय है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम बुंदेलखंडवासी महारानी लक्ष्मीबाई को मां समान समझते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये निर्णय बहुत ही बेतुका, हास्यास्पद और घिनौना निर्णय है। सरकार को ये निर्णय बदलना पड़ेगा, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यदि ये निर्णय नहीं बदला गया तो इसके खिलाफ हम बदुआ सागर में अपने नगर से इसकी आवाज उठाएंगे और हम सब नगरवासी जो इससे आहत हैं वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना।